लाहौर लाहौर में अमरीकी कौंसल जनरल की रिहाइशगाह पर अमरीका के करीब का इनेकाद किया गया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम समेत सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रंगारंग तकरीब का अहवाल बता रहे हैं लाहौर से अली चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। अमेरिका के 248वें योम आज़ादी का जश्न पाकिस्तान में भी जोशो खरोश से जारी है। 248वें योम आज़ादी को मनाने के लिए अमेरिकी कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन हॉकिंस की रिहायशगाह में रंगारंग तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब के आगाज में यूएस मरीन की जानिब से कलर गार्ड परेड पेश की गई। अमेरिका के जश्न आज़ादी की तकरीब में पाकिस्तानी बैंड ने अमेरिका और पाकिस्तान के कौमी तरानों की धुनें खूबसूरत अंदाज में बिखेरी। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में मुख्तलिफ मंसूबों को फरोग दे रहा है। अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय और जमहूरियत को फरोग मिले। To the people of Pakistan in strengthening fundamental freedoms and democratic institutions, as well as expanding economic opportunities for the people of Pakistan. अमरीकी योम आज़ादी की तकरीब में सियासी समाजी कारोबारी तदरीसी सिविल सोसाइटी से वाबस्ता शख्सियात समेत सफारतकारों ने शिरकत की। कैमरामैन शेर खान के साथ अली चौधरी, पब्लिक न्यूज़ लाहौर।